कम पानी से ज़्यादा खेती करने के लिए हमने माइक्रो इरिगेशन सिस्टम को चुना। तो मेरे को जैन इरिगेशन का जो सिस्टम है, जो उनकी मटेरियल की क्वालिटी जो है, वो सबसे बढ़िया लगी। खर्चा भी कम हुआ, मेहनत मजदूरी का खर्चा भी कम हो गया, लेकिन आय जो कह रहे हैं आप, जो मैं लेकिन साल के अंदर है 30 एकड़ ज़मीन की 30 लाख रुपए की फसल बेच देता हूँ। मेरा नाम रविंदर है, तो मैं मंगाली गांव का रहने वाला हूँ, जो कि हरियाणा प्रदेश के हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। स्टार्टिंग में मैं स्टडी करता था, प्लस टू किया, बीटेक किया, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाना मेरे को बेटर नहीं लगा, तो मैं अपनी ज़मीन पे खेती करने के ज़्यादा इच्छुक था। स्टार्टिंग में 2 साल खेती की, लेकिन पानी की बहुत ज़्यादा समस्या होने के कारण मेरा मन टूट गया खेती करने से, क्योंकि घाटा ज़्यादा लगता था। कम पानी से ज़्यादा खेती करने के लिए हमने माइक्रो इरिगेशन सिस्टम को चुना, जिसके अंदर मैं ड्रिप वगैरह भी लगा रखी है, मिनी स्प्रिंकल फुहारे भी लगा रखे हैं। जो पहले इनकी मैंने जांच पड़ताल की कि सबसे बढ़िया कौन से, जिनकी लाइफ अच्छी हो, ऐसी कंपनी का चुनाव किया। तो मेरे को जैन इरिगेशन का जो सिस्टम है, जो उनकी मटेरियल की क्वालिटी जो है, वो सबसे बढ़िया लगी, तो इसीलिए मैंने जैन को चुना। और जो मेंटेनेंस है उनकी, जीरो मेंटेनेंस है। एक बार जो चीज़ हमने लगा दी है अपने खेत के अंदर, जैसे जैन इरिगेशन की पाइपें यूज करता हूँ, तो एक क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट बहुत बढ़िया, बेटर प्रोडक्ट है। चाहे धूप में पड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। कचरे में डला है तो भी ख़राब नहीं होता, सड़ता नहीं है। लॉन्ग लाइफ प्रोडक्ट है जैन का। जैसे स्टार्टिंग सेटअप करने के लिए आए थे, तो जैन की तरफ से सेटअप, कंपनी की तरफ से लोग आके, मैकेनिक आके सेटअप करके गए हैं, हमारे को उसके सेटअप के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कभी कोई ज़रूरत पड़ जाती है, तो जैसे हेल्पलाइन नंबर है या जो नज़दीकी जैन का जो भी हमारे पास मैकेनिक है, उसको कॉल करते हैं, वो पूरी सहायता करते हैं हमारी। पहले जब तक मेरे पास ये माइक्रो इरिगेशन सिस्टम नहीं था, तो लगा लो मेरे पास 5-7 एकड़ में खेती हुआ करती थी। जैसे हमारा जो खुश्क एरिया है, इसके अंदर पानी हमको पर एकड़ 9 मिनट नहर की पानी की बारी मिलती है हमको, उसके हिसाब से पूरे खेत में खेती नहीं कर सकते। और जब से हमने जो ये माइक्रो इरिगेशन का सिस्टम जो लगाया है जैन कंपनी का, तो उसके हिसाब से मैं, मतलब लगा लो कि पूरे खेत में खेती कर पाता हूँ। तो मैं माइक्रो इरिगेशन के जो मिनी स्प्रिंगल फुहारे हैं, इनके बेस के ऊपर मैं गेहूँ और सरसों की खेती करता हूँ। और ड्रिप से जो पिछले साल मैंने तरबूज की फसल भी ली, बहुत अच्छी निकली, कपास की फसल भी, नरमे की फसल जो है ड्रिप के ऊपर बहुत बढ़िया निकली मेरी। अब ये जो गेहूं आप देख रहे हो इधर, तो ये सब 1 हफ्ते के अंदर 2 से 3 घंटे की शिफ्ट की गेहूं है। तो पिछले साल भी जो मेरे पास थी, 6 एकड़ में गेहूं थी मिनी स्प्रिंकल से, तो एवरेज अच्छी रही उसकी, 55 से 60 मन प्रति एकड़ की गेहूँ निकली है हमारे, और पानी लगा बिल्कुल नाम मात्र का। कुछ हद तक जो उर्वरक आप यूज करते हैं, उनके अंदर भी बचत होती है। तो मेरी आय के अंदर लगा लो, पहले जैसे मैं फसल बेचता था, 30 एकड़ की फसल मेरी साल की 10 लाख रुपए बड़ी मुश्किल से हुआ करती थी, लेकिन अब मेरे 30 से 32 एकड़ ज़मीन के अंदर 3 गुना इनकम हो गई मेरी। खर्चा भी कम हुआ, मेहनत मजदूरी का खर्चा भी कम हो गया, लेकिन आय जो कह रहे हैं आप, जो मैं लेकिन साल के अंदर है 30 एकड़ ज़मीन की 30 लाख रुपए की फसल बेच देता हूँ। मैं तो हर एक किसान से कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो इरिगेशन यूज़ करके पानी बचाओ, क्योंकि पानी आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा कमी आने वाली है। लेकिन धीरे धीरे लोग अब इसकी तरफ इच्छुक हो रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हम लोगों को देख के हर आदमी, हमारा जो पड़ोसी किसान है, वो माइक्रो इरिगेशन को सेटअप करने के लिए तैयारी कर रहे हैं।